वेलकम टू एग्जाम्स अकेडमी प्लस। अ मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का इस सीरीज में कंप्लीट एक्सप्लेनेशन चल रहा है, इस पूरे बुक का एक्सप्लेनेशन चल रहा है और ये इस क्लास का 16th नंबर क्लास है और टॉपिक जो है वो है हमारा टाइम एंड टेंसेज। ये इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, इस क्लास का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सो क्वेश्चन नंबर 30 तक पिछले लेक्चर में हुआ था, क्वेश्चन नंबर 31 से इस लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमें सपोर्ट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम डेली बेसिस पे और वीडियोस को ला सके। क्वेश्चन नंबर 31। द विक्टम ट्राइज टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल। यहाँ पे क्या बोला है, विक्टम ट्राइज टू टेल अस मीन्स विक्टम कहना चाह रहा है, तो ये क्या है, द विक्टम ट्राइज टू टेल अस, ये क्या है, पास्ट की घटना है। ये ट्राइज मीन्स यहाँ पे ट्राइड का यूज हुआ है, मीन्स यह पास्ट की घटना है और जो उसने कहना चाहा है, व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वर्ड्स वर नॉट ऑडिबल, लेकिन वो विक्टम ने जो कहना चाहा है वह पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है। तो इस केस में हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैज का जो यूज हुआ है पार्ट बी में, यहाँ पे हैज का नहीं, यहाँ इसके जगह पे हम लोग हैड का यूज करेंगे, तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 32। वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव्ड। ये क्या है, ये पास्ट की घटना है, तो जब पास्ट की दो घटनाओं का जिक्र हो तो जो पहले घटना घटा है उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं और जो बाद में घटा है उसमें हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल ऑफ देम लॉन्ग बिफोर दे अराइव, मतलब अराइव पहुंचने से पहले क्या हो, हम लोग को रेडी रखना होगा, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रेडी रखेंगे, उसके बाद वो लोग आएंगे। तो यहाँ पे पार्ट ए में पहले वाले में जो यूज होता है वो पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, तो यहाँ पे वी गॉट एवरीथिंग रेडी फॉर ऑल, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे पार्ट ए में, तो यहाँ पे हो जाएगा वी हैड गॉट। तो इस क्वेश्चन के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 33। सी वॉज विथ मी अप टिल नाउ सो डोंट रिब्यूक हर फॉर गेटिंग लेट। सो जब भी कोई सेंटेंस में अप टिल नाउ का यूज हो, तो वहां हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल ले रहे हैं, she has been ill up till now, मतलब वो अभी तक बीमार है। तो यहाँ पे she was with, यहाँ पे she was का जो यूज है वो was नहीं होगा, उसके जगह पे has been का यूज होगा। क्वेश्चन नंबर 34। आई हैव बीन अडोरिंग हर फॉर द वॉइस विथ विच सी इज गिफ्टेड।
तो जब भी कोई सेंटेंस में अडोर रहे, एडमायर रहे, बिलीव रहे, ट्रस्ट रहे, होप रहे, तो जब सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज हो तो हम लोग उसमें कंटिन्यूअस या फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज नहीं करेंगे। इस सेंटेंस में हम लोग सिंपल पास्ट या फिर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। सिंपल टेंस, सिंपल पास्ट का नहीं, सिंपल टेंस या फिर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन के पार्ट ए में हैव बीन अडोरिंग, यहाँ पे हैव बीन अडोरिंग नहीं होगा, इसके जगह पे हम लोग यूज करेंगे हैव अडोर्ड। क्वेश्चन नंबर 35। अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट आता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। क्वेश्चन नंबर 35, हैड ही कम इवन अ मोमेंट अर्लियर वी वुड हैव फाउंड मी देयर, मतलब वह थोड़ी देर पहले आता तो वह मुझे वहां पाता। तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो ऑप्शन जो होगा वो होगा करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ई, यानी नो एरर। इसमें क्या हो रहा है, पास्ट की दो घटना का जिक्र हो रहा है, तो जब पास्ट की दो घटना का जिक्र हो तो जो पहले घटा हो उसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, और जो बाद में घटा हो उसमें हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये सेंटेंस जो है वो सही है, इसलिए इस सेंटेंस में एरर नहीं है, तो आंसर होगा वो होगा नो एरर। क्वेश्चन नंबर 36, many observations indicate that the number of the drug addicts is grew day by day. तो जब भी कोई सेंटेंस में is रहे, are रहे, am रहे, तो हम लोग verb के साथ ing का यूज करते हैं। तो यहाँ पे is है, तो is के साथ हम लोग जो यूज करेंगे वो करेंगे growing, grow के साथ ing का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 37, न्यूज़पेपर्स टोल्ड अस अबाउट द इवेंट्स दैट हैपेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। न्यूज़पेपर क्या करता है, हम लोगों को इवेंट्स के बारे में बताता है जो हमारे वर्ल्ड में, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी हमारे वर्ल्ड में जो चीज घट रहा है, मतलब हैपन हो रहा है, उसको न्यूज़पेपर क्या करता है, बताता है। तो यहाँ पे यूनिवर्सल ट्रूथ की बात हो रही है, तो यूनिवर्सल ट्रूथ में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो इस सेंटेंस के पार्ट ए में टोल्ड के जगह पे टेल का यूज होगा, तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। क्वेश्चन नंबर 38, हियर इज कमिंग माय फ्रेंड सेड मंजू व्हेन सी वाज, यहाँ पे क्या है, हियर इज कमिंग, तो जब भी कोई सेंटेंस में हियर रहे या फिर देयर रहे, देयर हो या फिर हियर हो, और वो सेंटेंस इस वर्ड से स्टार्ट हो, मींस हियर और देयर से स्टार्ट हो, तो उस सेंटेंस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हेयर इज कमिंग नहीं होगा, हेयर कम्स होगा। तो सेंटेंस के पार्ट ए में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, ही एडवाइज्ड मी टू डू एज ही डिड बट ही आई डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू हिज एडवाइस। तो क्वेश्चन नंबर 39 का एरर नहीं है किसी भी पार्ट में, तो जो आंसर होगा वो होगा हमारा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ई। क्वेश्चन नंबर 40,
क्वेश्चन नंबर 40, बाई द टाइम नेक्स्ट ईयर ही हैज हैड सेटल्ड हिमसेल्फ इन लंडन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बाई द टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब बाई दिस टाइम नेक्स्ट ईयर मतलब नेक्स्ट अगले साल जो है वो इस टाइम तक वो अपने आप को सेटल कर लेगा लंदन में. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्यूचर की बात हो रही है. तो यहाँ पे पार्ट बी में जो है वो will have का यूज होगा, he will have settled himself होगा. तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है. नाउ क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर चिल्ड्रेन टू स्कूल. तो जब भी कोई सेंटेंस में इट इज हाई टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम रहे, इट इज हाई टाइम या फिर इट इज अबाउट टाइम रहे के लिए, तो इसके साथ अगर प्रेजेंट के अनफुलफिल्ड विश डिजायर या फिर कंडीशन को बताने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. तो क्वेश्चन बोला इट इज अबाउट टाइम यू हैव टेकन योर योर चिल्ड्रेन टू स्कूल. तो यहाँ पे पार्ट बी में यू हैव टेकन के जगह पे यू टुक का यूज होगा, सिंपल पास्ट का यूज होगा. तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है. क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42, आई हैड होप्ड दैट आई वुड सी यू द अदर डे बट अनफॉर्चुनेटली आई फेल इल. तो अनफुलफिल्ड होप एक्सपेक्टेशन एक्सेट्रा के लिए हम लोग होप या फिर एक्सपेक्ट के साथ, यहाँ पे होप है, एक्सपेक्ट के साथ हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. तो पार्ट ए में क्या है, आई हैड होप्ड, तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का यूज हो चुका है सेंटेंस में. तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है. तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर. क्वेश्चन नंबर 43, द थीफ वॉज कॉट आफ्टर ही हैज डिस्पोज्ड ऑफ द स्टोलन गुड्स. तो जब ये क्या है, ये सेंटेंस जो है वो पास्ट का सेंटेंस है. तो जब पास्ट के दो घटनाओं का जिक्र हो तो आफ्टर वाले क्लॉज में हम लोग पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं तथा मेन क्लॉज में हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं. चोर कब पकड़ा जाएगा जब वह डिस्पोज कर देगा जो भी उसने वो चीज को छुड़ाया है. तो यहाँ पे पार्ट बी में जो हैड है, हैज है, उसके जगह पे हैड का यूज होगा. तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है. आफ्टर वाले क्लॉज में क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का यूज होता है. तो यहाँ पे पास्ट परफेक्ट जो होगा वो होगा हैड डिस्पोज्ड. क्वेश्चन नंबर 44, सुषमा अराइव्ड हियर डिड ऑल द प्रिपरेशंस एंड देन हैज कॉल्ड वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स. तो सेंटेंस में क्या है, सेंटेंस के पार्ट ए में यहाँ पे क्या है, अराइव्ड मतलब पहुंच चुकी है. तो अराइव्ड के यूज से पता चल रहा है कि जो ये जो सेंटेंस है वो पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हम लोग यहाँ पे हैज कॉल्ड के जगह पे बस कॉल्ड का यूज होगा, हैज का यूज नहीं होगा. तो यहाँ पे हैज जो है वो गलत है. तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है.
45. I could not recall what she has told me about her concern with Moti. तो इस सेंटेंस के पार्ट ए में क्या बोला है, आई कुड नॉट रिकॉल. तो पार्ट ए में जो है वो पास्ट की घटना है, यानी पास्ट के घटना की बात हो रही है. बट पार्ट बी में व्हेन सी हैज टोल्ड मी अबाउट हर, तो पार्ट बी में जो है वो पास्ट ऑफ द पास्ट की घटना है, जिसके लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. तो पार्ट बी में जो हैज नहीं होगा, ही सी हैज टोल्ड होगा. तो यहाँ पे हैज के जगह पे हैज जो है वो गलत है, हैज के जगह पे हम लोग हैज जो है वो हमारा गलत है, इसके जगह पे हम लोग हैड का यूज करेंगे. क्वेश्चन नंबर 46. दैट टू एंड टू ऑलवेज मेड फोर कैन नॉट बी डाउटेड. दो और दो को मिला के हमेशा फोर बनता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है. तो ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है? तो यूनिवर्सल ट्रूथ वाले केस में हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं. तो पार्ट बी में जो है मेड, सो यहाँ मेड जो है वो गलत है, इसके जगह पे हम लोग इसका जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा वो होगा मेक्स. तो मेक्स सही होगा. तो सेंटेंस के पार्ट बी में जो है वो हमारा एरर है. क्वेश्चन नंबर 47. नोबडी नोज व्हेन डेथ विल नॉक एट हिज डोर. मतलब कोई नहीं जानता है कि डेथ आपके कब आ जाए. तो यहाँ पे इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर. क्वेश्चन नंबर 48. क्वेश्चन नंबर 48 में क्या बोला है, दीपू होप्स टू बिकम एन ऑफिसर आफ्टर ही विल कंप्लीट हिज हायर एजुकेशन. दीपू क्या बनना चाहता है, ऑफिसर बनना चाहता है जब वो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट कर ले. तो ये क्या, इसमें फ्यूचर की बात हो रही है कि वो अपना पहले हायर एजुकेशन कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो ऑफिसर बनेगा. तो इस सेंस में सेंटेंस के पार्ट बी में पार्ट सी विल कंप्लीट के जगह पे हैज कंप्लीटेड का यूज होगा. इस सेंस में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ही यूज क्यों करेंगे, क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो है ही होप्स टू बिकम. ये क्या है, ही होप्स टू बिकम, मतलब दीपू होप्स टू बिकम, ये क्या है सिंपल प्रेजेंट टेंस का. ऑफिसर बनने के लिए क्या, उसको पहले उसको हायर एजुकेशन लेना होगा, जब वो अपना हायर एजुकेशन कंप्लीट करेगा उसके बाद क्या होगा, वो ऑफिसर बनेगा. तो इसके लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे. तो सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है, क्वेश्चन नंबर 48 का. नाउ क्वेश्चन नंबर 49. मीनू अलोंग विथ हर फ्रेंड्स इज गोइंग, सॉरी, मीनू अलोंग विथ हर पेरेंट्स इज गोइंग टू मुंबई टुनाइट बिकॉज हर इल्डेस्ट ब्रदर इज इल देयर. तो along with में जो हम लोग वर्ब यूज करते हैं वो along with के पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यूज करते हैं. तो मीनू क्या है, सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर वर्ब का यूज हुआ है. तो इस सेंटेंस के किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नो एरर, यानी ऑप्शन नंबर ई. क्वेश्चन नंबर 50. My friend said to me, when have you come here?
तो पास्ट टाइम या फिर इवेंट जानने के लिए हम लोग ये क्या है, सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पास्ट टाइम या फिर इवेंट को जानने के लिए हम लोग सिंपल पास्ट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैव के जगह पे डिड का यूज होगा। सेंटेंस के पार्ट सी में जो है वो हमारा एरर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 51। He could not have done all this if he had not been instigated by his wife. तो 50 नंबर वन में किसी भी पार्ट में एरर नहीं है, तो आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, यानी नो एरर। क्वेश्चन नंबर 52। द टीचर सेड टू अस दैट वी शुड स्टे एट होम इफ इट रेन्स। टीचर हम लोगों को क्या बोले हैं कि अगर बारिश होगा तो हम लोगों को अपने घर पे ही स्टे करना होगा, मतलब घर पे ही रहना होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये दो सेंटेंस है, सेंटेंस का टू पार्ट है। जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में हो, टीचर क्या बोला है, रिपोर्टेड वर्ब जो है सेड, मतलब ये पास्ट टेंस में है, तो जो रिपोर्टेड स्पीच होगा वो भी पास्ट टेंस में ही होगा। तो यहाँ पे रेन्स के जगह पे इफ इट रेन्स के नहीं होगा, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है वो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, तो अब जो बाद वाला है वो रिपोर्टेड स्पीच है, तो रिपोर्टेड स्पीच में हम लोग पास्ट का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पे रेन्स की जगह पे हम लोग रेंड का यूज करेंगे। तो सेंटेंस के पार्ट डी में जो है वो हमारा एरर है, यानी 52 का जो डी है, डी में एरर है। तो हमारा अभी फिजिक्स का भी सीरीज चल रहा है और साथ में इंग्लिश का भी सीरीज चल रहा है, और वन बाय वन हम लोग बायो केमिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबका सीरीज लाएंगे। तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं फिर कल के सेशन में, और कल मिरर ऑफ कॉमन एरर्स का नेक्स्ट चैप्टर आएगा, और वो चैप्टर का जो नेम होगा वो होगा प्रोनाउंस।